अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, बर्ड का केज काफ़ी ज़्यादा गंदा था, तो तकरीबन दो दिन से सफाई नहीं की थी, तो आज इसकी करने लगा जी। सबसे पहले सफाई, रोज़ाना सफाई करने से ये होता है कि जी आपके बर्ड बीमार नहीं होते। तो वैसे तो मैं दूसरे तीसरे दिन केज की सफाई करता रहता हूँ। उसके अलावा जी पानी भी इनका चेंज करते हैं, साफ सुथरा पानी डाल देते हैं इन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टिक भी नीचे गिर गई है जी। साफ सुथरी हो गई है, चलो दोबारा लगा देते हैं। उसके अलावा छोटे चूजों का भी जी काफी ज्यादा केज गंदा है, तो इसे भी साफ कर देते हैं। उन्होंने काफी ज्यादा गंद डाला हुआ है। पानी के बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं जी। उसके अलावा यहाँ पे लगाए हुए हैं डब्बे, क्योंकि इनके जो पाँव हैं वो नीचे ना लगें। ये भी बाद में दोबारा हम नहीं लगा देंगे जी, अभी इन्हें बाहर निकाल देते हैं। काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं ये भी आप साफ सुथरे रखेंगे दोबारा जी। ये भी बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। पानी का बर्तन भी जिसमें लगा देते हैं पानी बर्तन। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से गर्मी थी, दो तीन दिन से सख्त गर्मी थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत ही प्यारा है, बादल बने हुए हैं। हो सकता है जी आज बारिश हो, और बारिश के बाद मौसम अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। हवाएं तो काफ़ी तेज़ आ रही हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारे दोनों के जी बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं जी, ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं जी। और हमारी छोटी डक्स ने जी अंडा दे चुकी है यहाँ पे जी। सबसे पहले जी इसका अंडा उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। छोटी डक्स जी जितनी भी हैं ये छुप के ही अंडे देती हैं, तो अभी भी यहाँ पे इसने अंडा दे के चली गई है जी। ये रोज़ाना ही यहाँ से मैं अंडे उठाता हूँ, तो बाकी डक्स के लिए जी पानी डाला हुआ टप में, तो इन्हें वहाँ पर ले कर चलते हैं जी। तो फ्रेंड्स, टब का भी पानी चेंज कर दिया, ये भी थोड़ा सा गंदा था तो ये साफ सुथरा हो गया। तो चलें जी एक डक्स के बच्चे को छोड़ते हैं पानी में, फिर तो ये नहाते नहीं।
ये दूसरा छोड़ते हैं अब। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये सही डुबकियां लगा रहे हैं। इसको भी छोड़ते हैं। चलें जी, बाकी को बाहर निकाल देते हैं। पहले नहा चुके हैं, ये दो नहीं नहाए, ये वाला जी अभी। चलो जी, इन्हें निकाल दोनों को। आज जो बड़ी डक्स है, इनका नहाने का मूड नहीं है अभी जी। तो फ्रेंड्स, सुबह के टाइम आज तो मौसम ठीक है, तो जो गाय थी हमने बाहर बांध दी है, क्योंकि यहाँ शेड में गर्मी थी तो गाय को भी बाहर बांध दी है। बाकी जो बछड़ी हैं दोनों वो इधर ही हैं। बाकी हमारी जो सील मुर्गी हैं, ये देखें जी, ये यहाँ पे बैठी हुई हैं, इनकी खुरली में जी ये बैठी हुई हैं। इतनी गर्मी में अंदर, गर्मी की वजह से इनके नीचे अंडे नहीं रखे जी। इन दोनों को अभी बाहर भेजते हैं, क्योंकि बाहर मौसम बहुत प्यारा है। ये अंदर गर्मी में यहाँ पे बैठी हुई है जी, दोनों कुड़क हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी की वजह से इन्हें अंडे पे नहीं बैठाना हमने। दरवाजे को कर देते हैं बंद जी, मुर्गियाँ हमारी अंदर ना जा सकें जी। कुछ लोग बिठा देते हैं जी गर्मी में अंडों पे, वैसे नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो मुर्गी मर भी सकती है जी। मेरे एक दोस्त ने अंडों पे बिठाई थी जी कुछ दिन पहले, गर्मी की वजह से मुर्गी अंडों पे ही मर गई। तो इसी वजह से जी मैं मुर्गी को इस मौसम में अंडों पे नहीं बिठाता। अगले मंथ भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है जी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मैं जी अपना काम कर लूं, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी जी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स में अपने राय का इजहार किया करें जी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी।
खुदा हाफिज़। और यहाँ पे भी जी हमारी एक मुर्गी कुड़क बैठी हुई है, ऐसे भी बाहर निकालते हैं जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसने भी कुछ खाया पिया नहीं है, बाहर निकले के पानी वगैरह पिए जी। खुदा हाफिज़।